हाथ लगा के देख ले इसको, ये मेरा बेटा। तो मैं कौन हूँ? वो बेटा है पर वो तो एक अपना ना, वो बड़ी बात है ना। जिन जिन को समस्या है, तकलीफ है, एक बार मेरे मम्मी से बात कर लो और फिर रुद्र को अड़ना। और मेरी मम्मी बहुत खतरनाक मारती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। और टुडे इज 9th of October और आज हो रहा है सैटरडे। जैसे कि आप सबको पता ही है, सैटरडे मीन्स अपना लेट होना बनता ही है। तो अभी बज रही है 11:57, इसलिए 12 बजने ही वाली है। और मैंने नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी हमेशा की तरह। तो आज भी मैं मंदिर के लिए लेट हो ही गया हूँ, पर मैंने कहा कि एक बार व्लॉग करते हो और थोड़ा बहुत जो मुझे बताना है वो सारी बातें करते हो आपसे। तो ऐसा था ना कि आज से 6 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ टर्टल की, आज से 6 साल पहले हमारा यहाँ से, इसलिए जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे गांव से कुछ 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे हमारे खेत है। तो वो लोग को कुछ होंगे, इसलिए बड़ा एरिया है वो, बहुत बड़ा, जहाँ पे हमारी खेती बाड़ी और वो सब होती है। पर कुछ टाइम से अभी हो नहीं रही, क्योंकि अब हम ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि शॉप पे सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए कि खेती बाड़ी में कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इसलिए पहले भी ध्यान हम नहीं देते थे, पर किसी और को दे रखा था तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट और वो सब आता था। अभी भी वहाँ से आम और वो सब आते हैं, तो वो सब बातें बाद में। तो वहाँ पे हम 6 साल पहले मैं और मेरे कजिन्स और हम सब गए हुए थे। और वहाँ पे पास में से एक नहर जाती है, जो आपको बताओ कागदर से आती है, कागदर डैम हमारे एरिया में, इसलिए बोलते हैं ना कि एक पॉपुलर जगह है। तो उस हिसाब से मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक कुत्ता था जो कब से एक चीज़ को भौंक रहा था, एक चीज़ को देख के भौंक रहा था। और मुझे लगा कि वहाँ पे कोई सांप वाप होगा, तो तब तो बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है क्यूरियोसिटी। मैंने कहा जो भी होता है एक बार, जो भी होगा देख के आते हैं। तो मैं वहाँ गया देखने, तो लिटरली मुझे, मैंने इससे पहले टर्टल कभी देखा नहीं था, तो मुझे ऐसा हुआ ना कि एक छोटा सा टर्टल, मीन्स उसकी साइज होगी इतनी। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना इसको मैं घर पे ले जाऊँ। तो फिर मैं घर पे ले गया, तो थोड़े टाइम तक तो उसने कुछ खाना वाना खाया नहीं, इसलिए 4-5 दिन तक वो कंफर्टेबल हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा यार छोड़ देते। फिर उस वो जैसे जैसे हमारे साथ फेमिलियर होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, तो इसलिए इतना फेमिलियर हो चुका है अब कि वो बोलते ना कि मेरे मम्मी उसको हाथों से खाना खिलाते हैं, मेरे पापा जब पूजा करते हैं तो उसको एक मंदिर में किसी जगह पे इसे बैठा देते ना, तो वो जब तक पूजा पूरी नहीं होती तब तक वो मेरे पापा को या फिर सामने बैठे भगवान को, उनको घूरता है उनको घूरता है। इसलिए बोल सकते ना कि वो अपनी पोजीशन, 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात होगी, 1 मिलीमीटर भी चेंज नहीं करता, तो इसलिए इतना फेमिलियर हो गया। तो फिर थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो बड़ा होता रहा होता रहा होता रहा, तो हमको लगा कि इसलिए बोलते ना कि एक पार्ट ऑफ माई फैमिली, जैसे कि दो मिट्टू है। आज ये कंडीशन है कि मम्मी कहीं पर भी गए हो शाम को उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि मिट्टू घर पे अकेले होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, अभी थोड़े टाइम से घर का काम चल रहा है तो पास वाले बड़े पापा के वहाँ पर रखते हैं मिट्टू को, पर मम्मी को काम इसलिए नहीं कराना कि हम सब जल्दी से कंफर्टेबल हो जाए, जल्दी से घर में हो जाए, और घर का काम इसलिए नहीं, घर पे सारी चीज़ें सही सेटल हो जाए, हमारी लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाए। पर मम्मी को ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी को बस ये है कि मेरे मिट्टू घर पर आ जाए, मैं उनको अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। और उसी चक्कर में जो टर्टोइज है वो भी पूनम दीदी के वहाँ पर दे रखा था हमने, क्योंकि बोलते ना कि पूनम दीदी के वहाँ दिया, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ और उसको सबसे पहले एनिमल से डर नहीं लगता, और हमको भी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत कंफर्टेबल है टोटोइस के साथ। तो फिर उसके वहाँ पे दे रखा था जिसको मैं लेने गया था। पर उससे पहले का सीन ऐसा है कि थोड़े टाइम पहले जब मुझे पता पड़ा कि टोटोइस रखना है एज अ वाइल्ड लाइफ, जब मैंने वाइल्ड लाइफ में एंटर किया कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट में घूमने का इंटरेस्ट हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप किसी भी वाइल्ड लाइफ को रख नहीं सकते हो। तो फिर मेरे पास में ये तालाब है लोंडा, वहाँ पे मैं उसे लेके गया और वहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया। घर पे आके बहुत सुना, मम्मी बोलते ना, मम्मी मैं खुद भी इसलिए इमोशनल हो गया कि यार चला गया वो यहाँ। मुझे लिटरली ऐसा लगा नहीं था कि वो कभी
इसलिए मेरी लाइफ में वापस आएगा, और मैं चाहता भी नहीं था कि वो वापस आए, पर मैंने 10 दिन बाद जाके क्यूरियोसिटी होती है कि क्या कर रहा होगा, जाके देखा तो मैं जहाँ पे छोड़ के गया था ना उससे लगभग 5 कदम दूर, इसे तालाब से कुछ कदम दूर छोड़ के गया था क्योंकि मेरे को पानी से डर लगता है, कुछ कदम दूर, तो उससे लगभग 5 कदम दूर वो बैठा हुआ था, और वह वहाँ पे खाने का भी छोड़ के गया था। उसने ना कुछ खाया था ना कुछ नहीं, वो सिर्फ 5 कदम दूर मूवमेंट किया था, क्योंकि बोलते हैं ना कि वहाँ पे थोड़े टाइम पहले बारिश हुई थी और वहाँ से पानी जा रहा था, तो वो थोड़ा सा किनारे की साइड आ गया था कि वहाँ पे, इसलिए वो सेफ, इसलिए वो भीगना उसको पानी आज भी नहीं पसंद। बस वही उस सीन में मेरे को नहीं देखा गया, मैं उसको वापस ले आया, मैंने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, अगर इवन कुछ भी होगा तो मैं देख लूँगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक रूल होना चाहिए कि जब वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व ही कर रहे हैं ना, हम बचा ही रहे, कि हमारे, मैं खुद चाहूँगा कि मेरे बच्चे, उनके उनके बच्चे, वो सब भी वो देखे जो हमने देखा है। तो उस चक्कर में मैंने उसको घर पे रख दिया, और इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा ना, अगर मुझे लगा, मुझे ऐसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ में, इसलिए गवर्नमेंट को हमारे ये रूल्स भी रखना चाहिए कि अगर कोई आपसे जानवर फैमिलियर हो गया, इसलिए वेरी, ये एक ऐसा जानवर बोल सकते हैं ना कि ये तो मेरे सदस्य है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो ना इंसानों को ख़राब करती है और भी इंसान से इसको डर है, तो अब तो वो इतना फैमिलियर हो गया कि उसको रात को लेकर मैं सो भी जाऊँ तो भी मुझे कोई डर नहीं लगता। और कुछ कुछ लोगों को आके इसलिए देखते ना कि कछुआ, एक बार तो उनको बताना पड़ता है कि ये कछुआ है जो कि ज़मीन पे रहता है। कछुए भी दो तरह के होते हैं, एक ज़मीन वाला होता है जो ज़मीन पे भी सर्वाइव कर सकता है, और एक होता है पानी में, जो कि बोलते हैं कि एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है। और मैंने फाइनली टोपीज का नाम आप सामने, आपके सामने कल मैंने इसलिए सोचा था कि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मेरे, इसे बोलते हैं ना कि इसका नाम, अपन शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं आप सबको बताइए, तो टोटो इसका नाम रखा है मैंने रुद्र। तो मैंने कहा कि मैं बताना नहीं चाह रहा था ये स्टोरी, क्योंकि आई एम नॉट शेयर विथ एनी वन, इवन हिमू के साथ भी मैंने शेयर नहीं की, और मेरी फैमिली भी किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर मैंने कहा कि यार क्यों ना मेरी फैमिली को बताया तो जाए, एक तरह से अपना, बोलते ना कि अपना तरफ, अपने हिसाब से मैं आपको समझाऊं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप कछुआ ले आओ, आप वो ले आओ भाई, पर एक तरीके से अगर कोई किसी के साथ फैमिली बॉन्डिंग हो गई है, जबकि वो, मैं यूँ नहीं बोल रहा, मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा, मैं उसकी साइड से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो शायद गवर्नमेंट मुझे बोले तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी 1 महीना 2 महीना, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट रिस्क ले उसके लिए, कि उसको, उसको कभी कुछ हो गया तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना कि फिर मुझे भी बुरा लगेगा, और जिस हिसाब से आप मुझे लो समझा रहे हैं, फिर मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं भी, मुझे भी बोलते ना कि एक घर का सदस्य कम हो जाता है तो फिर उसके बाद सबको गुस्सा आता है, तो बस मेरा यही है, तो बस। और उसका नाम है रुद्र, क्योंकि शिवजी भगवान का आप सबको पता है कि मेरे फैमिली में हम सब शिवजी को कितना मानते हैं, तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है रुद्र, और उसको जिस हिसाब से बोलता ना कि रुद्र क्या भागता है रे, वो क्या भागता है, मैंने कहा इसलिए बोलते ना कि मैंने ये धीरे धीरे बोलते ना कि मैं अपनी लाइफ की थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने क्लोज हो रहा हूँ, तो अभी यही सब है, तो आशा करता हूँ कि व्लॉग स्टार्टिंग थोड़ा बड़ा हो गया, और आज का दिन तो पूरा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का दिन मेरा शेड्यूल है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और आज ऐसा ना कि घर के काम के चक्कर में सारे लोग ऐसे हो गए कि अब हम भी काम करते हैं जल्दी से काम निपटाओ, हम भी काम करते हैं जल्दी से काम, क्योंकि 2022 मेंशन कर रहा हूँ मैं, कुछ है आप लोगों के लिए, और उन सब कुछ पलों के लिए मैं अपने आप को मेंशन कर रहा हूँ कि मैं वो सारा शूट करूँगा, क्योंकि मुझे खुद चाहिए कि वो सारा कैप्चर, कि दैट मोमेंट मैं क्या कर रहा था, दैट मोमेंट मैं क्या कर रहा था, क्या रिएक्शन था मेरा। तो व्लॉग पे बने रहिए, और आगे भी बहुत सारा कुछ है तो देखते रहिए। गाइज अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर, और आप सबको बताइए कि हमेशा की तरह आज भी मैं लेट ही हूँ, कब होगा, कल मंदिर नहीं गया था, कल पूरा दिन, इसलिए बोल सकते ना मुझे बहुत आलस है, क्योंकि एक एनर्जी मिलती है वहाँ जाके, तो अभी चल रहा है मंदिर, तो वहाँ से चालू करेंगे हम तबाही से ब्लॉक। पापा जा रहे हैं उदयपुर कुछ फर्नीचर के काम से, फर्नीचर मीन्स इन द सेंस जो आगे का गेट है उस सबको डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन करवाने के लिए, क्योंकि पापा ने बात की उनके फ्रेंड से जो कि हमारे मिस्त्री भी है जो गेट बनवा रहे हैं, पूरा सीपी है, और मेरे घर में लग रहा है सीपी सा हुआ, जो कि पूरा लीगली आया हुआ है, मुझे इसलिए कोई डर नहीं है, इसलिए मैं ओपनली बता रहा हूँ, पूरा लीगली आई एम पेड विद GST एंड ऑल। तो बस वही, पापा जा रहे हैं उदयपुर और मुझे जल्दी से जाना है,
अपने मंदिर का काम, मंदिर जाना था, उन्होंने अपना जल्दी निपटा लिया, तो मैं चल रहा हूँ मंदिर, तो आपको सीधा जाके मिलता हूँ मैं मंदिर। तो फाइनली गाइस दर्शन वर्शन हो गए हैं मेरे जल्दी से, मैं भगवान को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं उनके सोने के टाइम पे ही आया हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लग रही है मुझे धूप, तो घर जाके मिलूँगा क्योंकि अभी बालों में ऑयल भी नहीं कराया, तो सबसे पहले जाके मम्मी से ऑयल कराना है क्योंकि पूरा दिन मुझे घूमना है, तो फिर वो बालों में मिट्टी चलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे हेयर वॉश का। तो अभी चल रहा हूँ घर पर और वहाँ जाके आपको सीधा मिल। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पर और मम्मी ने आते मुझे खाने बिठा दिया है। तो अभी मम्मी कोई एम के लिए रुद्र को दे दो आवे। तारे अंदर तो कोई याद करी तो तुझे एम जून कौन एक बार हां हाथ लगा के देख ले इसको, ये मेरा बेटा। तो मैं कौन हूं? बहुत बेटा है पर वो तो एक अपना ना, वो बड़ी बात है ना। हां जिन जिन को समस्या है तकलीफ है एक बार मेरे मम्मी से बात कर लो और फिर रुद्र को अड़ना। और मेरी मम्मी बहुत खतरनाक मारती है। तो आज का खाना है रोटी और मम्मी ने अभी दाल फ्राई की है कुछ नए तरीके से, तवी पे फ्राई की है, उस पर फ्राई की है। अब क्या बताएं, एक्सपेरिमेंट है जो अभी अपने पे हुआ है, तो अभी अपन टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसी बनी है। फाइनली गाइस खाना वाना सब हो गया है और अभी मैं बैठ गया शॉप पे, तो काम वाम करके अभी फ्री हो गया हूँ और चाय वाय भी सब पी ली है क्योंकि बिजी हो गया था। इसके बाद कस्टमर और वो सब तो समझती है। शॉप पे नवरात्रि चालू होने के बाद अभी हम बोल सकते हैं मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत चेंज आया है। और आशा करता हूँ आप सबके भी जो जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन सबके भी लाइफ में और शॉप पे कस्टमरों का चेंज आया होगा, क्योंकि फिर आपका सीन कुछ ऐसा है कि ये दूध आ गया मीन्स कल। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या पता है गाँव में रहने का, यहाँ सब मिलती सारी देसी चीज़ें, भले थोड़ी बहुत मिलावट होती, मीन्स 100 में से 90% रियलिटी होती, बाकी ठीक है ना कॉम्प्रोमाइज़ 10% का चल सकता है। पर अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे को ऑयल करवाना है बालों में और ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगा, तभी विक्कू के सामने करता हूँ मैं थोड़ा नाटक, तो वो जाके ऊपर से ले आए मेरे लिए, वो बाहर ही बैठा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा लाउड में बात नहीं कर रहा आपसे। तो करते देखो सीन क्या होता है, अभी वो क्या रिप्लाई करेगा वो देखना। अरे विक्कू है मेरे नस चढ़ गई है पैरों की यार, जो ऊपर से तेल तो लिया मेरे बालों में लगाना है। तो घी का गया होता है एक बार, काम क्या किया इसने पूरे दिन, तो देखा है मोबाइल चलाता है, पबजी खेलता है, काम तो नहीं तेरे पास जलिया भाई ने कुछ काम बताया तेरे, नस चढ़ गई है, नस चढ़ गई वो चढ़ गई है, फिर देख बार चढ़ गया है। व्लॉग बनाना बढ़िया काम होता है, ठीक है बड़ा काम होता है, वो यूं ही पकड़ के मैं भी बता दूं शायद अपना। हां बना ले बना जा, तेल ले आन भाई ने, तू बना तेल तेल व्लॉग में आराम भी आ रहा हूं लोग मेरे को देखते हैं वही देखता है। तो एडिट तो मैं करता हूँ तो मेरी बात सुन, जा तेल ले आ भाई नहीं है, भाई नहीं है तो गिर गया, फोन गिर गया क्या होगा फिर, गिर गया तो जा ले आ, ए भाई नहीं है विक्कू जाके भाई। गाइस सुबह से ऑयल डलवाना था पर अभी डलवा रहा हूँ मैं, तो अब बैठ गए हम। उन्हीं बार कम थी क्या नहीं माँ सर आए हैं ये तक, ये तक था आए हैं सर, अभी कम थी बुढ़ा पा भी है भाग पड़ी जाए, भाग पड़ता थे क्या, भाग पड़ता थे क्या, पहले तो बाल कपार में लेवड़ा तो नहीं लगा, ये पासा करे अभी ना अभी असुपना भी यावार कपावे नहीं कितने बा अच्छा लगता था मम्मी कमलेश के तो ना यहाँ या लमड़ा या बार रवा दे दिया। तो आज का फाइनल लुक ये है,
बन नहीं रहे क्योंकि मैं नॉर्मली इतना ऑयल करता नहीं, इस बार मम्मी ने ज़्यादा ही नहीं करते कुछ इतना सारा। तो अभी करते दुकान को कम्प्लीटली बंद और फिर खाना वाना खा के फिर मिलता हूँ सीधा, इसलिए खाते वक्त ही मिलूँगा।